हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु जी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी दाखिला जो आप लेने वाले हैं उसकी जो फीस है उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एडमिशन पोर्टल आपका लॉन्च कर दिया है और बिना फीस के आपको दाखिला मिलेगा। तो इस बारे में अगर आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं कि कौन सी आपकी फीस नहीं लगेगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास है सबसे पहले पहुँच जाए। तो ये आप देख सकते हैं। तो कोरोना के चलते हरियाणा में इस बार कॉलेज व यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को घर बैठे दाखिला मिलेगा, यानी आपको ऑनलाइन दाखिला मिलेगा इस बार। तो स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन दाखिले के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को एडमिशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन आपका पोर्टल जो लॉन्च किया एडमिशन का, वो लॉन्च कर दिया है। और साथ ही प्रवेश संबंधी सवालों के समाधान के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र भी लॉन्च शुरू कर दिया है। यानी आपको कोई भी दिक्कत है दाखिले में या कोई भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। और कोरोना संक्रमण के होने के कारण गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोड के जरिए उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पोर्टल लॉन्च की है। इसके अलावा 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और प्रदेश में शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का शुभारंभ किया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महामारी के चलते विद्यार्थियों को राहत देते हुए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए पंजीकरण और प्रोस्पेक्ट फीस आपकी जो शुल्क है वो लिया जाता है वो आपका माफ़ कर दिया गया। यानी पंजीकरण और प्रोस्पेक्ट की जो फीस आपसे ली जाती थी वो इस बार आपसे फीस नहीं ली जाएगी। तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेज और छात्रों से संबंधित सभी सूचनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स विकसित किया गया है। और कार्यक्रम को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता और महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी भी शामिल रहे। और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश और छात्रवृत्ति से अगर आपको संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये आपका नंबर है 74194449। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए या छात्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो। और एडमिशन फॉर्म भरने में किसी तरह की मदद चाहिए तो ये आपका टोल फ्री नंबर है 1837-3735। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर एडमिशन जो आपको फॉर्म भरना है उसमें कोई आपको मदद चाहिए तो इस पर कर सकते हैं। और जो दिव्यांग विद्यार्थी है, दिव्यांग विद्यार्थी मोबाइल नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मिस्ड कॉल देकर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन दाखिले का रजिस्ट्रेशन फीस आपकी माफ़ रहेगी। वो रजिस्ट्रेशन और जो आपका प्रोस्पेक्ट की आपसे फीस ली जाती थी वो इस बार फीस नहीं ली जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोरोना में क्यों बेरोज़गारी तो बढ़ रही है, साथ ही क्या इन्होंने ये भी एक अच्छा काम कर दिया कि आपकी दो जो रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्ट की फीस है वो आपकी माफ़ कर दी है। तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।